सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, द फाइनली द वेट इज ओवर। यहां पर जो आप लोगों को कंपैरिजन देखना था, रेडमी नोट 5 प्रो वर्सेज रियलमी 2 प्रो वर्सेज एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो 6 जी वाले वेरियंट का कंपैरिजन, तीनों का यहाँ पर इन डेप्थ कंपैरिजन बताऊंगा। हर एक पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं कौन सा डिवाइस बढ़िया है और आप लोगों के लिए यहाँ पर तीनों डिवाइस में से कौन सा है, कौन सा डिवाइस आपको 15,000 की रेंज में लेना चाहिए, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट बढ़ा के रखते हैं 1500 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और फाइनली द मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करूँगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट पूरा देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई सेल भी अभी चल रहा है तो कौन सा डिवाइस आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर है मेरे पास एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 6GB वाला वेरियंट, रेडमी नोट 5 प्रो है और यहाँ पर है मेरे पास रियलमी 2 प्रो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 8 से 10 पॉइंट में यहाँ पर कंपेयर करूँगा और बताऊँगा कौन से डिपार्टमेंट में एग्जैक्टली मैं कौन सा फ़ोन बढ़िया है। तीनों ही फ़ोन को मैं यहाँ पर बहुत दो दिन से यहां पर इसे यूज करो, बाकी ये दोनों फोन को तो बहुत ज्यादा टाइम से मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्राइस पॉइंट की। तो जो 6GB वाला वेरिएंट है सेल में आपको 13,000 में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। ये भी आपको सेल में 13,000 में मिल रहा है और ये आपको 14,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। सारे आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं बिल और डिज़ाइन की से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेडमी नोट 5 प्रो और एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो में आपको मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में, इन हैंड फील के मामले में दोनों ही यहाँ पर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग और स्टडी लगते। बट अगर आप कंपेयर करोगे सपोज यहां पर रियलमी 2 प्रो के साथ में, नो डाउट अगर आप लुक्स की बात करो तो यहां पर रियलमी 2 प्रो बढ़िया है ये दोनों फोन से। बट अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर मैं एज दूंगा एसुस और रेडमी नोट 5 प्रो को एज कंपेयर टू रियलमी 2 प्रो से। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटीज है पहले नंबर पर लुक्स, तो डेफिनेटली रियलमी 2 प्रो से अच्छा डिवाइस आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन के डिस्प्ले की, तीनों फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर ये दोनों में आपको 5.99 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, 18:9 का पैनल है। यहाँ पर रियलमी 2 प्रो में आपको 6.3 इंच का एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ऑलमोस्ट 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिखता है। चलो यहाँ पर कंपेरिजन के आपको लोगों को डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेजल टॉप और बॉटम में अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, जबकि अगर आप यहाँ पर इसको देखते हो तो बिल्कुल भी बेजल नहीं के बराबर है। तो ये राउंड में स्लाइड एज देना चाहूंगा रियलमी 2 प्रो को एज कंपेयर टू ये दोनों फोन से। बट अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो तीनों ही डिस्प्ले यहां पर मुझे पर्सनली पसंद आते हैं, तीनों ही डिस्प्ले शार्प क्लियर और पंची है। बात करते हैं यहाँ पर तीनों फ़ोन के रैम और स्टोरेज की। तो तीनों के अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, बट मेन चीज़ मुझे ये बताना है कि रियलमी और एसुस के फ़ोन में आपको डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, जबकि यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर तीनों ही फ़ोन में अच्छी है कि डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको तीनों ही फ़ोन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये दोनों फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 636 मिलता है, यहाँ पर आपको 660 मिलता है। अब मैं रियल लाइफ की बात करूँगा, आपको बेंचमार्क वगैरह की बात नहीं करूँगा। रियल लाइफ में तीनों ही फ़ोन में यूज़ करता हूँ, तीनों ही फ़ोन मस्के की तरह चलता है, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग वगैरह भी तीनों ही फ़ोन में आराम से आप कर सकते हो, तो रियल लाइफ यूजेज में आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट इन फ्यूचर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हो और AI कैपेबिलिटी वगैरह आप लोगों को चाहिए, तो डेफिनेटली रियलमी 2 प्रो में को मैं यहाँ पर स्लाइट एज दूंगा एज़ कम्पेयर टू ये दोनों फ़ोन से। बाकी परफॉर्मेंस के लिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन सा फ़ोन लिया जाए, तो तीनों ही बढ़िया है, स्लाइटली एज दूंगा चाहूँगा AI वगैरह के फीचर के लिए यहाँ पर रियलमी 2 प्रो को। बात करते हैं यहाँ पर तीनों फ़ोन के कैमरास की। तो यहाँ पर आपको बैक में मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर भी आपको 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा f2.2 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आपको 16+2 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का मिलता है, यहाँ पर भी 16 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है और ये दोनों में आपको LED फ्लैश मिलती है अलग से, जबकि यहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश ऑप्शन देखने को मिलता है।
पिक्चर क्वालिटी वगैरह मैंने सारी चीजें देख लिया। अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कौन सी चीज में कौन सा फोन बढ़िया है। सबसे पहले बात करते हैं डे लाइट के शॉट्स की, तो डेफिनेटली पहले नंबर पर मैं एज दूंगा यहाँ पर रियलमी 2 प्रो को, दूसरे नंबर पर रेडमी नोट 5 प्रो को, तीसरे नंबर पर रियर कैमरा के मामले में एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का हल्का सी डिफरेंस है, पर सबसे बढ़िया मुझे रियर कैमरे की इमेजेस रियलमी 2 प्रो की लगी। सेल्फी कैमरे की बात करें तो पहले नंबर पे मैं एज दूंगा यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो को, सेकंड नंबर पे यहाँ पर एज दूंगा रियलमी 2 प्रो को, थर्ड नंबर पे है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो डेफिनेटली पहले नंबर पे मैं यहाँ पर एज दूंगा रेडमी नोट 5 प्रो को, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो तीनों ही फोन अच्छे निकालते हैं, बट जो इंटरनल माइक्रोफोन से जो ऑडियो कैप्चर करता है रेडमी नोट 5 प्रो का मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। सेकंड नंबर पे मैं दूंगा यहाँ पर एसुस को, इंटरनल माइक्रोफोन की बात करो इसमें भी अच्छा ऑडियो कैप्चर होता है, जबकि रियलमी 2 प्रो में थोड़ी आवाज मुझे कम लगी। फ्रंट फेसिंग कैमरे से अगर आप रिकॉर्ड करो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम आती है। बाकी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको ये दोनों फोन में अभी के लिए मिल जाता है, ये फोन में भी Asus ने प्रॉमिस करा है बहुत ही जल्दी मिलेगा, बट आप डेवलपर ऑप्शन में जाके इसका EIS अनेबल कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया आप चेकआउट कर सकते हो। तीनों ही फोन कैमरे के मामले में अच्छा है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरे डिपार्टमेंट में सेल्फी कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा में चूज करना पड़े तो ऑलराउंडर पैकेज के हिसाब से मैं पहले नंबर पर दूंगा रेडमी नोट 5 प्रो को, दूसरे नंबर पर रियलमी 2 प्रो को, तीसरे नंबर पर एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो को। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही फोन में आपको ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है अभी, बट यहाँ पर आपको MIUI मिलता है, यहाँ पर आपको एसुस में स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है और यहाँ पर कलर OS मिलता है। देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद नहीं है स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए तो नो डाउट एसुस आपके लिए बढ़िया है, बट आपको रियल अगर अच्छा खासा कस्टमाइजेशन चाहिए बिना कोई ज़्यादा लैग वगैरह के तो पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे MIUI बहुत ही बढ़िया लगता है, MIUI 10। दूसरे नंबर पर मैं जाऊंगा कलर OS के साथ में, क्योंकि यहां पर भी कलर OS में बहुत ज्यादा फीचर मिलता है जो कि मुझे फीचर पर्सनली पसंद आता है। Asus में आपको फीचर के मामले में बहुत ही कम दिया हुआ है, साथ में थोड़ा बहुत बग्स वगैरह भी है UI में, तो UI के मामले में पहले नंबर पर Redmi Note 5 Pro, फिर Realme 2 Pro, फिर Asus ZenFone Max Pro M1। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसर्स की और फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको तीनों ही फोन में यहाँ पर बैक साइड में देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। और फिंगरप्रिंट स्कैनर स्पीड की बात करें, चलो पहले दो दो करके आपको कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। ये है एसुस और रेडमी नोट 5 प्रो, दोनों को मैंने लॉक करा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो टैब अनलॉक, टैब एसुस का यहाँ पर अभी भी फास्ट हुआ है पहले के कंपैरिजन में, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है, ये देख सकते हो टाइम लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसुस को तो रख दो, एसुस यहाँ पर वैसे भी तीसरे नंबर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले टेस्ट में। अब यहाँ पर रियलमी और रेडमी नोट 5 प्रो के बीच में मुझे आपको बताना है, ये देख सकते हो आप टैब ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, देख सकते हो टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, तो दोनों का यहाँ पर सिमिलर ही है, बाकी एसुस का थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले दोनों फ़ोन से। बट अगर हम बात करते हैं फिंगर यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो सबसे फास्ट मुझे लगता है यहाँ पर रियलमी का, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मेरी उंगली दोनों ही फ़ोन की नीचे है। अब मैं साथ में यहाँ पर पावर बटन को दबाऊँगा, आप देख सकते हो, ये देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर Realme 2 Pro का जो फेस अनलॉक है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर Asus से, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। Redmi Note 5 Pro का भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है बट उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा फास्ट है। तो यहाँ पर अगर फेस फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो ये दोनों पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और फेस अनलॉक यहाँ पर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पर 4000 और यहाँ पर 5000, तीनों में ही आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको Redmi Note 5 Pro में मिलता है जो कि आपको अलग से खरीदना पड़ता है, बाकी ये दोनों फ़ोन में अभी के लिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो पहले नंबर पर नो डाउट विनर है यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro, आराम से अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़र हो 1.5 से 2 दिन आपका चल जाएगा। सेकेंड नंबर पर आता है Redmi Note 5 Pro, अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़र हो तो 1 से 1.5 दिन का तो एटलीस्ट आपको बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा। और यहाँ पर 3500 mAh की बैटरी ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, 2 दिन से यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 दिन तो आपका निकाल ही देगा अगर आप सुबह चार्ज करते हो नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली 1 दिन की बैटरी तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 660, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है।
तो ये था पूरा कंपैरिजन। अब यहाँ पर एक और एक चीज़ मुझे आपको बताना था, स्पीकर क्वालिटी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैंने तीनों का ही यहाँ पर स्पीकर को टेस्ट कराऊँ। स्पीकर की बात करें तो पहले नंबर पे नो डाउट यहाँ पर मैं विनर दूंगा एसुस को। एसुस का स्पीकर में बहुत ही अच्छा बेस मिलता है, डेप्थ मिलता है, तो स्पीकर के मामले में पहले नंबर पर इसको दूंगा। सेकेंड नंबर पर है रेडमी नोट 5 प्रो, थर्ड नंबर पर रियलमी 2 प्रो। ऐसा नहीं है कि रियलमी 2 प्रो का स्पीकर अच्छा नहीं है, इसका भी अपनी जगह पर बहुत ही बढ़िया है, बट यहाँ पर कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हेडफोन जैक की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर पहला नंबर मैं दूंगा यहाँ पर रियलमी 2 प्रो को, सेकंड नंबर यहाँ पर दूंगा रेडमी नोट 5 प्रो को, और थर्ड नंबर पे है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। और साउंड यहाँ पर कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी में मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई, तीनों ही फ़ोन में बहुत ही बढ़िया कॉल क्वालिटी और ऑडियो रिसेप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो तीनों में आपको कोई भी यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये था पूरा कंपैरिजन। अब आप पूछोगे कि भाई कौन सा फ़ोन हमारे लिए बढ़िया है, तो मैं आपको लाइन से बताता हूँ कौन सा फ़ोन आप लोगों के लिए बढ़िया है। ये मेरे पास एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का 6GB वाला वेरिएंट सेल में आपको 13,000 में मिल रहा है। HDFC कार्ड वगैरह लगाओगे तो और सस्ता हो जाता है। देखो अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ है गेमिंग, आपको रैम मैनेजमेंट बहुत ही कमाल का चाहिए, स्ट्रॉक एंड्रॉयड चाहिए, साथ में स्ट्रॉन्ग और स्टडी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, और यहाँ पर ऑल इन ऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए साउंड क्वालिटी वगैरह बढ़िया के साथ में, तो आप ये जा सकते हो। 13,000 में किलर डिवाइस है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रगल करता है तो वो है इसका कैमरे के मामले में, या मैं ये नहीं बोलूँगा कैमरा इसका बेकार है, कैमरा इसका डिसेंट है, बट ये दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सी कम कर जाता है। बाकी ऑल इन ऑल फोन बहुत ही कमाल का है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ ये बहुत ही बढ़िया है, और गेमिंग बहुत ही कमाल की हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं Redmi Note 5 Pro किन लोगों के लिए है। देखो ये फ़ोन को मैं ना ऑलमोस्ट यहाँ पर 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, यार मेरा प्राइमरी डिवाइस है। अब मैं आपको ये भी मैंने अपने पैसों से ही परचेज़ करो, ऐसा नहीं कि कोई रिव्यू यूनिट है, तो मैं बोल रहा हूँ ऑलराउंडर पैकेज है। आज की तारीख में ये 13,000 में सेल में मिल रहा है, HDFC वगैरह लगा देते हो 11,700 में मिलेगा। 11,700 में स्टिल मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है, आपको एक ऑलराउंडर मिलता है गुड कैमरे के साथ में, गुड बैटरी लाइफ, गुड डिस्प्ले, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सिर्फ यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगी। बाकी ऑल इन ऑल रेडमी नोट 5 प्रो 6-7 महीने बाद भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रियलमी 2 प्रो को लेके, यह भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मुझे यार ये 2 दिन से पर यूज़ करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ये पसंद आ रहा है। ये किन लोगों के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखने में बहुत ही कमाल का डिवाइस चाहिए, बाकी ये दोनों दिखने के मामले में थोड़े कम है, बाकी ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अगर ट्रांसपेरेंट केस में भी लगाते हो तो, और वाटर ड्रॉप नॉच का तो यार मैं फ़ैन बन गया हूँ, यहाँ पर बहुत ही कमाल का लग रहा है यार। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच चाहिए, डिज़ाइन अच्छा चाहिए आपको, स्नैपड्रैगन का 660 चाहिए, गेमिंग वगैरह भी बहुत ही मस्के की तरह इसमें चलती है, और आपको अगर कलर ओएस वगैरह पसंद आता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो रियलमी 2 प्रो के साथ में। 14,000 में मिल रहा है, HDFC का कार्ड वगैरह लगाते हो तो 12,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मेरी रेटिंग्स की तरफ के भाई पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे किसको रखना है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पर अगेन बोलूँगा, मुझे यहाँ पर अभी के लिए जो फिलहाल करंट सिनेरियोज है उसके हिसाब से मैं पहले नंबर पे दूंगा रियलमी 2 प्रो को, सेकंड नंबर पे है रेडमी नोट 5 प्रो, थर्ड नंबर पे एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। बाकी पर अगर आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कैमरा यूज़ नहीं कर रहे तो भाई उन लोगों के लिए एसुस भी बहुत ही बढ़िया डिवाइस रहेगा। ऑल इन ऑल यहाँ पर कैमरे को निकाल दोगे तो मैं तो यहाँ पर चूज करूंगा एसुस को। बाकी अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो पहले नंबर पर रियलमी 2 प्रो है, दूसरे पर रेडमी नोट 5 प्रो है, तीसरे पर एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, और आई होप कि यहाँ पर आप लोगों के जो सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये तीनों डिवाइस में से कौन सा लेने वाले हो या कौन सा यूज कर रहे हो। कि आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।